हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अपने सामान्य अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और भाग 24 के बारे में बात करेंगे। यदि हम भाग 24 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 23 तक पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो आप लोग उस श्रृंखला का आनंद लीजिए और उससे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 24 के बारे में। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या पूछा, कल्याणकारी राज्य कौन सा भाग है किसका, भारतीय संविधान का। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से प्रश्न में प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये देखेंगे कि ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, कौन से भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, या किस भाग में कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो भाग 4 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो आपके कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, जिसके जैसे हम मान लेते हैं, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, कल्याणकारी राज्य दो चीज़ों में देखने को मिलता है, कल्याणकारी राज्य कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो उद्देशिका में है जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, उद्देशिका भी आपके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देता है। ठीक है, तीन प्रकार के न्याय, फिर पांच प्रकार के स्वतंत्रता है, उसमें समता बंधुत्व की भावना को लेकर चलता है, तो वो भी क्या है आपका कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के बारे में बताता है, इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, ये संविधान का भाग तो है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेज हैं, वाद हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप ये जान लीजिए कि इस वर्तमान समय में जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, और दूसरी जो ये पहली बात चीज़ हो गई, मान चलिए कि इसको हम पहला लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर एक, और नंबर दो क्या है, वो कहते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, चलिए वो भी सही है, निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व ये भी लिखिए चाहे निदेशक तत्व लिखिए। इसको बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, और राज्य का नीति निदेशक तत्व कौन सा है, ये भारतीय संविधान का, यहाँ से लिख देना है भारतीय संविधान का भाग चार अनुच्छेद कौन कौन सा है, अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक, इतनी सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो कहाँ दिखता है, भारत की प्रस्तावना में दिखता है, और दूसरा जो है राज्य की नीति निदेशक तत्व में दिखता है। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करता है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके प्रश्न पूछता है और हमेशा पूछा जाएगा, और भारतीय संविधान के भागों से तो पर डे पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इससे जो ये इससे इस श्रृंखला से आपको किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने में मदद मिलेगी। अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, BR PCS है, फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी आ रहे होने वाला है, फिर आप देखेंगे कि UP PCS भी होगा। इन सारे एग्ज़ाम्स में ये जो श्रृंखला है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, तो आप लोग जल्द से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। ठीक है, ये आज लग रहा है कि DPSP से सारे प्रश्न हैं,
किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, ठीक है, रूस के, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, आयरलैंड से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व लिख दें या सिद्धांत लिख लीजिए, वो बात है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन का भाग है, और देखेंगे कि ब्रिटेन के थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड दो ठो हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह से, अमेरिका, अमेरिका से हम लोग क्या लिए हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ है सिर्फ हम वही बात करेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग स्रोत अगर जानना है भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया गया है। अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समवर्ती सूची, समवर्ती समवर्ती सूची, ठीक है, ये चीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया से। और ये किस संविधान के किस भाग में? सातवीं अनुसूची में मिलता है, ठीक। सातवीं अनुसूची में तीन सूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। और फिर बात करते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया है, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक। और मूल कर्तव्य कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, भारतीय संविधान के स्रोत से आप लोगों से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। और भी जो स्रोत चाहिए आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। सिर्फ उद्देश्य पूछा है कि क्या था, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। राजनीतिक प्रजातंत्रों के बारे में आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो बात नहीं कही गई है, ठीक है, क्योंकि राजनीति वहाँ पर नहीं है। और आप देखेंगे कि जो गांधीवादी हो गया, समाजवाद हो गया, उदार बौद्धिकतावाद हो गया, मानवाधिकार हो गया, ठीक है, और आर्थिक कल्याण हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका राज्य के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व बात करता है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि भाग जो संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करने का उद्देश्य लेकर चलता है, ठीक है। कौन सा है? सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का उल्लेख करता है, ठीक। यहाँ पर राजनैतिक प्रजातंत्र की बात नहीं की जाती है। गांधीवादी प्रजातंत्र के बारे में, गांधी जो महात्मा गांधी थे वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब देखेंगे कि समाज के सबसे नीचे के तबके से ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने आर्थिक प्रजातंत्र की बात तो की है, वहाँ पर समानता को बात लेकर चलते हैं कि इनका कहना था कि जो भारत में जो समाज में आर्थिक क्रियाएँ होंगी वो समाज के लोगों के द्वारा होंगी, और जो उसका वितरण होगा वो भी समान रूप से होगा, ठीक है। इन्होंने राज्य की अवधारणा को नकारा नहीं है महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये आपके हाई लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आप गांधीवादी प्रजातंत्र को मारकर एकदम आराम से आ जाएंगे। गांधीवाद, गांधी जी ने पंचायतों की बात की थी, वहाँ पर बड़े लेवल की बात इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं, ठीक है। सहज अध्ययन की बात अगर कर रहा है तो हम मान चलते हैं यहाँ पर
कि हम अध्ययन की सुगमता के लिए, यानी कि हमको किस तरह से हम उसको बांटे कि वो हमको पढ़ने में आसान लगे। ठीक है, तो सहज अध्ययन यानी कि सरल अध्ययन के लिए या सुगमता अध्ययन के लिए, सुगम बनाने के लिए, तो उसको जो राज्य के निदेशक तत्व हैं 36 से 51 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में है, उनको किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कौन कौन से भाग हैं जो इसको विभाजित किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ DPSP लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि किसके बारे में हम लोग बात किया जा रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। और कौन कौन से भाग हैं, इसको हम गांधीवाद में विभाजित कर सकते हैं, गांधीवाद, समाजवाद, उदार बौद्धिकतावाद, ठीक है, फिर उसके बाद मानवाधिकार, और फिर इसके बाद आप देखिए और आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण आदि, ठीक, इतने भागों में हम लोग इसको विभाजित किया जा सकता है। और भी आप जो सोच सकते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य में उपस्थित होते हैं तत्व, तो वो भी इसमें समाहित हो सकते हैं। फिर उसके बाद DPSP के बारे में बात करें तो यह सकारात्मक है। ठीक है, यह सकारात्मक है और अवाद्य योग्य है। अवाद योग्य है यानी कि यह न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। ठीक, ये आपका ये लिया जाता है मूल अधिकार से। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें DPSP वर्सेज मूल अधिकार, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मूल अधिकार से तुलना किया जाता है, तो इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। यानी कि मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक है और इसका अवाद्य योग्य है वो। ठीक है, एकदम डिफरेंट होता है, अपोजिट होते हैं इसमें कि जो DPSP है, राज्य के नीति संसद तत्व है, वो सकारात्मक प्रवृत्ति लेकर चलता है, मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक प्रवृत्ति लेकर चलता है। ठीक, DPSP न्यायालय में विचारणीय नहीं है, मूल अधिकार जो है न्यायालय में विचारणीय है, वो वाद योग्य है मूल अधिकार, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक, इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, और इसका जो ऑप्शन है ये तीनों के तीनों में विभाजित किया जा सकता है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व को। ठीक है, नीति निदेशक तत्व। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, वो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का, और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम प्रश्न है, डायरेक्ट एकदम पूछा जा सकता है कि किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया था, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हमने दोनों को मिक्स कर दिया कि जिससे आप लोगों का दोनों जो चीज़ है वो एक ही बार में तैयार हो जाए एक ही प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इनके बारे में हम लोग पिछले श्रृंखला में बात किया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। इन्होंने 1815 में आत्मी सभा का गठन किया और वही आत्मी सभा आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में होती है और इसी को हम लोग ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है, यह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में, और कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी, वहीं पर इनका मकबरा है।
ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक, इतनी सारी बातें हम लोगों ने बहुत सारी किया। ब्रह्म समाज के जो विघटन है उसको हम लोगों ने उसमें देखा था, तो आप लोग वहाँ पर जाइए पिछले वाले में श्रृंखला में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में अब देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किया था बम्बई में। ठीक है, और इनको आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है, और इन्होंने इस स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है पहली बार आर्य समाजियों ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किया था, और इनके पुस्तक का नाम है स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इन्होंने ही यही हैं कि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात किया तो 1893 में इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और वहाँ पर इन्होंने 3 दिन तक बोला था। ठीक है, और इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग नामक पुस्तक भी लिखा है, तीन भगवद्गीता पर आधारित है। और इन्होंने 1897 हम देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी स्थापना इन्होंने किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, चलिए हम सिर्फ बात करते हैं कि किसने कहा था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और बाल गंगाधर तिलक का देखेंगे कि 1916 के लगभग में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं भारत में। ठीक है, और इन्होंने गीता रस नामक पुस्तक भी लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, और आप लोग सुनकर फैक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, हमने सिर्फ क्योंकि ये सारी चीज़ें बताई गई ना पीछे, अब देखेंगे कि पिछले जो श्रृंखला हैं पीछे के उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसीलिए हमने सिर्फ रिपीट किया मौखिक रूप से, आप लोग उसको रिविजन हो जाए आप लोगों का, आप लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी आपको, आप यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती को ने ये सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। और शुद्धि आंदोलन जो है, देखेंगे कि आधुनिक भारत में जो चला शुद्धि आंदोलन, वो आर्य समाज से ही संबंधित है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इस शब्द का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, हम अपने प्रत्येक श्रृंखला में हम बताते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, उसका सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है क्या पूछ रहा है तो आप लोगों को आंसर आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि वो प्रश्न हमेशा गलत ही होना है, वो 100% गलत होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि क्या इसमें सही सुमेलित नहीं है। सत्यशोधक समाज 1873, आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1870 ईस्वी, देव समाज 1887 ईस्वी। अब देखेंगे कि जो, चलिए हम इसका एक बार लिख देते हैं, पूरा आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, हम इसमें सन लिख दे रहे हैं, ये नाम लिख दे रहे हैं, और उसके संस्थापक लिख दे रहे हैं, और कहाँ पर हुआ था उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, बाकी जो इनकी शिक्षाएँ हैं, इन लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में हम लोग इतिहास के चैप्टर में देखा जाएगा, इतिहास का सब्जेक्ट में देखा जाएगा, और इतिहास का सब्जेक्ट हम आपका बहुत ही जल्द प्रारंभ करने वाले हैं, और वो हम ही बात पढ़ाएंगे बताएंगे, वहाँ पर हर एक चीज़ का डिस्कशन हम लोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जीएस श्रृंखला का थोड़ा सा जो चीज़ें हैं 50-60 कर लीजिए जीएस श्रृंखला, तो उसके बाद हम लोग इतिहास को लेकर चलेंगे, और जीएस श्रृंखला को भी अगर टाइम मिलेगा तो उसमें भी लेकर चलेंगे, या हफ्ते में एक दिन जीएस श्रृंखला लेकर चलेंगे और 6 दिन जो है वो आपका जो इतिहास का चैप्टर लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, संडे को सिर्फ जीएस श्रृंखला लेकर चलेंगे आने वाले समय में, और 6 दिन जो है वो इतिहास का चैप्टर लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों का प्रश्न भी जो कंपटीशन की तैयारी है वो भी सही तरीके से होती रहे, और एक सब्जेक्ट भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी चल रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि भाग 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट हैं, सतीश सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराया है, आप लोग वहाँ पर जाइए और अपने जो पढ़ाई को सुदृढ़ बनाइए और अच्छे तरीके से सही दिशा निर्देशन में करिए, और अपने अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में करिए, या टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़कर वहाँ पर सुझाव अपने प्रदान करिए, तो जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, सत्यशोधक समाज शुरू से हम लिख रहे हैं, शुरू से हम लिख देंगे तो आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मौसम नमी है ना, तो नमी होने के बाद इस पर
मार्कर चलता ही नहीं है, ठीक है, सही सही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले हैं, ये निम्न जाति आंदोलन है, आप देखेंगे कि जाति सुधार से ये आंदोलन है, ठीक है, और ये स्थापना हुआ था 1873 ईस्वी में, ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और कहाँ हुआ था, पुणे में, पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद देखिए आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज का जो उद्देश्य था देखेंगे, हमें एक शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हैं कि आर्य समाज का उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म में रूढ़िवादी परंपराएं उसमें उसमें सुधार किया जाए और वैदिक काल की जो चीज़ें हैं उसको लेकर स्थापित किया जाए, एकदम शुद्ध जो हिंदू धर्म है उसको लेकर बात किया जाता था आर्य समाज में। और इसके जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था, इन्होंने वेदों को ही भारतीय भारत का आधार स्तंभ बताया और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं ये भी कहा, और वेदों की ओर लौटो, इनका ये नारा था ये दो, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। और आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में, और कहाँ हुआ था, मुंबई में, मुंबई बम्बई लिखिए, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग के द्वारा किया गया, ये कब किया गया था, 1867 ईस्वी में, ठीक है, आप लोगों को आंसर मिल गया 1867 ईस्वी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये 1870 का नहीं 1867 ईस्वी का, इसकी स्थापना हुआ था कहाँ, ये भी आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। फिर इसके बाद देखिए देव समाज, देव समाज, देव समाज की स्थापना किया गया था, आप देखेंगे कि शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री के द्वारा ये स्थापना हुआ था आपका 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी, और कहाँ पर हुआ था, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इनके द्वारा यहाँ पर स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, और हमने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, आत्माराम पांडुरंग के बारे में अगर हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग जो हैं वो केशव चंद्र सेन की विचारधाराओं से प्रभावित होकर 1867 में यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, और महादेव गोविंद रानाडे जो है 1869 में इसी में आकर मिलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही प्रार्थना समाज का जो विकास है वो उनके ही द्वारा किया गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। प्रार्थना समाज का, देव समाज की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में इसकी स्थापना किया था। और देखेंगे कि 1913 में इन्होंने अपने दत्तक पुत्र को यद्दी से समाज का जो कार्यभार उसको सौंप दिया था, और 1913 से ये समाज का पतन होने लगता है, ठीक। इतनी सारी कहानी आप लोग याद रखिए, और जो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, समाज सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सामाजिक सुधार आंदोलन से, ठीक है, किस सामाजिक सुधार आंदोलन से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े थे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे एक देखेंगे कि बहुत ही बड़े सामाजिक सुधार हैं, ठीक है, नेता हैं, और जो क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, और एक संत के तरह भी इनको देखा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में थे, बम्बई वाले इलाके में, और वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रार्थना समाज से ये जुड़े थे 1869 ईस्वी में, ठीक है। देव समाज के बारे में हमने पिछले प्रश्न में ही बात किया था,
आर्य समाज के बारे में, अब ब्रह्म समाज के बारे में, तो हमने दो श्रृंखलाओं से बात कर रहे हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का 1828 में स्थापना किया, इसके कितने भाग हुए, कब हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, वो सारी चीज़ हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज से हम यहाँ पर लिख दें, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक। ये प्रार्थना समाज से 1869 में जुड़े थे, ठीक है। प्रार्थना समाज से 1869 में जुड़े, ठीक। अब प्रार्थना समाज के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था, 1867 में किया गया, ठीक है, किया गया था। किसकी विचारधारा थी? केशव चंद्र सेन की विचारधारा से प्रभावित होकर, केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन की विचारधारा से प्रभावित होकर, की विचारधारा से, विचारधारा से प्रभावित होकर, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लोग प्रार्थना समाज के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसकी विचारधारा से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? केशव चंद्रसेन की विचारधारा से, ठीक है। और कब किया था? 1867 में। महादेव गोविंद रानाडे कब जुड़े थे प्रार्थना समाज से? 1869 ईस्वी में, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है? लोकहितवादी, लोकहितवादी निम्न में से किसे कहा जाता है? राम महादेव गोविंद रनाडे, इनको एमजी रनाडे भी बोला जाता है। अगर एमजी रनाडे लिखे तो भी आप समझ जाए कि वो महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ज्योतिबा फुले, ठीक है। और जो आप देखेंगे कि जाति सुधार से संबंधित हैं, तीन चार लोगों का नाम आप लोग याद रख लीजिए, जिसमें ज्योतिबा फुले हो गई, अरे हो गई कह रहे हैं फुले हो गए सॉरी ठीक है, जिसमें ज्योतिबा फुले हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी। ये तीन लोगों का नाम आप लोग हमेशा याद रखिए। और ये जो सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं लोगों से, तीन लोगों से पूछे जाते हैं, अम्बेडकर, गांधी और ज्योतिबा फुले से, अगर जाति सुधार आंदोलन से संबंधित पूछा जा रहा है तो। और ये तीनों लोग जो हैं उत्तर भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत में बहुत सारे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो जाति सुधार से आंदोलन से संबंधित थे, क्योंकि वहाँ पर SC ST ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो जो निम्न तबके से आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये तीन लोग थे, और इनके जो स्थिति है, स्टेटस है समाज में, उसको सुधारने का प्रयास बहुत ही किया था। और पंडिता रमाबाई के बारे में बात करें तो ये महिला सुधार से संबंधित थे। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में हम लोग अभी पिछले प्रश्न में बात किया था कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे 1869 में, और इन्हीं के द्वारा प्रार्थना समाज का विकास किया गया था, ठीक है। और गोपाल हरि देशमुख जो हैं, आप देखेंगे कि ये एक समाज सुधारक हैं, इन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा काम किया है, जाति विरोधी आंदोलनों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और ये एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। और ये आप देखेंगे कि अपने समय में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भी ये सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख को आप देखेंगे कि लोकहितवादी बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है, आप लोग प्रश्न में बताइए। लोकहितवादी तो गोपाल हरि कृष्ण को, गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। जननायक किसे बोला जाता है? जननायक, इसका आंसर आप लोग बताइए कि जननायक किसे बोला जाता है।
लोकहितवादी तो गोपाल हरि देशमुख हो गए, लेकिन जननायक किसे बोला जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये दो चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाएंगे, और लोकहितवादी तो ये आपका SSC लेकर IAS तक के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और जननायक भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जननायक किसे बोला जाता है भारत में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है। आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सपोर्ट प्रदान बहुत ही सहयोग प्रदान करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत ही सारी चीज़ें लेकर आएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। और आने वाले समय में हम लोग एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, वहाँ पर कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, टीचर भी अच्छे अच्छे रहेंगे। तो लोग बस चैनल को सहयोग प्रदान करिए और जुड़ते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है। और करप्शन से आप लोग दूर ही रहे तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं फीस तो हाई लेवल की है, लेकिन पढ़ाई नाम मात्र की हो रही थी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पर फंसने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग उस तरीके से पढ़ाई करिए, सही तरीके से करिए, अच्छे दिशा निर्देशन में पढ़ाई आप लोग करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का मुहाना है, क्या पूछा जा रहा है मुहाना? इसका अर्थ है, ये मुहाने का अर्थ ये होता है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि नर्मदा नदी अपना जल कहाँ किस क्षेत्र में गिराती है, ठीक है। इतना बस जब पूछ रहा है कि जो नर्मदा नदी का अंतिम स्थान है कि वो कहीं पर कोई भी नदी है जो जाकर सागर से मिल रही है या किसी अन्य नदी से मिल रही है या किसी महासागर में जाकर गिरती है, किसी खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वहाँ पर वही उसका मुहाना होता है, उसका आखिरी जो समय है वहाँ पर नदी समाप्त होती है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है, ठीक है। और जहाँ से नदी निकलती है वो उद्गम स्थान होता है, जहाँ पर नदी खत्म होती है वो उसका क्या होता है, मुहाना होता है, ठीक। ये चीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिए और इसको याद रखिए कि नदी जहाँ से निकलती है वो नदियों का उद्गम स्थान होता है, और नदी जहाँ पर गिरती है वो उसका मुहाना होता है, ठीक। तो चलिए हम एक बार मैप बना दे रहे हैं थोड़ा सा, जिसे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। ये आप लोग मैप देख रहे हैं, यहाँ क्या हम सिर्फ बात करेंगे स्थानों के। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये है पूर्व, ठीक है, ये है पश्चिम। ये तो आप लोग समझ लीजिए पूर्व और पश्चिम। और ये यहाँ का है, क्या है, अरब सागर है, अरब सागर, ठीक। इसको हम यहाँ से बांट देते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई, अरब सागर इतना नहीं, सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि पूर्वी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यही तो है पूर्वी घाट, और ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक। ये आपका छत वितत है, ठीक है। इस तरह से हम बना देना है, इस तरह से ये क्या है, छत वितत है, ठीक। ऐसे है, नदियों के द्वारा इसका कटाव बहुत ही ज़्यादा अपरदन कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम बना देना है, ठीक, इस तरह से। तो ये आपका पूर्वी घाट का स्थिति हो गया कि किस प्रकार से है, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है वो सतत है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विंध्याचल, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश लेकर मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, ठीक है। ये क्या है आपके, विंध्याचल, हम सिर्फ समझने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसी के अमरकंटक नामक स्थान से, ठीक है, अमरकंटक नामक स्थान से, अमरकंटक नामक स्थान से
कौन निकलता है, नर्मदा नदी निकलती है। मान लीजिए कि यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये नर्मदा नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा जो है नर्मदा नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये गिरती है कहाँ पर जाकर, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, ठीक, कहाँ पर, गुजरात वाले राज्य में, ठीक है। और यहीं पर कच्छ का रण भी पाया जाता है गुजरात के समुद्र में। और कच्छ का, कच्छ के रण में कौन सी नदी विलीन होती है, आप उसका नाम बताइए, ठीक है। उसकी विशेषता हम बता दे रहे हैं कि वो जब निकलती है तो वो आपका मीठे पानी की जल नदी होती है, और जब वो कच्छ के रण में विलीन होती है तो खारे पानी की नदी बन जाती है, ठीक है। तो जिसका ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जिसका उद्गम स्थान, उद्गम जो है वो मीठे पानी से होता है और जो समाप्ति होती है वो खारे पानी से होता है, वो कौन सी नदी है, उसका नाम बताइए, वही कच्छ के रण में विलीन होती है, ठीक। ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये वाला ये अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है। तो यानी कि इधर से नदियाँ जो बहेंगी ये जगह बंगाल खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, यानी कि पश्चिमी घाट से पूर्व की, पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने वाली नदियाँ जो हैं वो अरब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरेंगी। तो हमको नर्मदा नदी के बारे में जानना है, ये खंभात की खाड़ी में जाकर जल अपना गिराती है, ठीक। तो ये इसको हम मिटा देते हैं, और जिससे पूरा आप लोग इसको, आप लोग नोट मैप बनाकर समझ लीजिए, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कहाँ पर कौन सी चीज़ है, और यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर श्रीलंका में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, श्रीलंका में और भारत के मध्य में पाया जाता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि भारत की अवस्थिति के बारे में आप सबको पता होता है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा नॉर्मली प्रश्न है, ये ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न ही नहीं है, तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मन्नार खाड़ी कहाँ है, वो आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। कच्छ कारण गुजरात में, खंभात खाड़ी गुजरात में, बंगाल की खाड़ी आपका पूर्वी, पूर्व में है, बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और आप देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी तो अभी बताएं, कच्छ कारण भी गुजरात में, ठीक। तो चलिए नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी, ठीक, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नर्मदा नदी से, आज नर्मदा नदी के सब कुछ बता देंगे, बस सहायक नदियाँ छोड़कर, ठीक है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, उसका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। और कच्छ के रण में कौन सी नदी विलीन होती है, उसकी विशेषता हमने बता दी है, तो आप उसका नाम बताइए, ठीक है। दो चीज़ आप लोग बताइए नदियों से, ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है, ठीक। ये जो, ये जो है अमरकंटक की जो, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वो समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से कितना है, 1057 मीटर, 1057 मीटर ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई से जो नर्मदा नदी है वो निकलती है। तो सोचिए कोई कितने वेग से गिरेगी, ठीक। यह नदी, दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ पे, यह नदी मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में, ठीक है, जबलपुर ज़िले में भेड़ा घाट नामक जगह पर, भेड़ा घाट नामक स्थान पर, नामक स्थान पर कपिलधारा, कपिलधारा इसको बोलते हैं धुआंधार, शायद इसको दुग्धारा भी बोलता है, बोला जाता है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा जलप्रपात, प्रपात का निर्माण करती है। आप लोग कभी जबलपुर जाएं
तो भेड़ाघाट जरूर जाएँ, ये बहुत ही मनोरम दृश्य सुंदर लगता है यहाँ पे करती है। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, तीसरा और आखिरी पॉइंट, कि यह नदी जो है डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप सिर्फ यही चीज़ जानिए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं, वो आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वार नदमुख बोला जाता है। और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा और एस्चुरी जो है नर्मदा नदी का एस्चुरी और तापी नदी का एस्चुरी। ठीक है, ज्वार नदमुख, तो यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। सिर्फ हम ये नहीं लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे, यह नदी बीहड़ों में प्रवाहित होकर, बीहड़ मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें घाटी हो, एक जिसमें कंकड़ पत्थर वाले जो घाटी हो, करसंकरी रास्ता, सकरा रास्ता हो, उसको बीहड़ बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो नदियों में के लिए। ठीक है, बीहड़ों में बहते हुए, ठीक, कुछ नदियों का नाम बता रहे हैं, नर्मदा हो गई, चंबल हो गया, दामोदर हो गया, ये तीन नदियाँ महत्वपूर्ण हैं जो बीहड़ में बहती हैं। ठीक है, बीहड़ों में बहते हुए अपने अंतिम समय में, ठीक है, अपने अंतिम समय में 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर, 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर, ठीक, प्रवाहित होकर खंभात के खाड़ी में अपना जल गिराती है, प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में, कहाँ पर, गुजरात वाले क्षेत्र में, अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये सारी चीज़ें आप लोग नर्मदा नदी के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पूछ दे कि नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा प्रवाहित क्षेत्र किस राज्य में है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे लंबा बांध है वर्तमान समय में, वो किस नदी पर, नर्मदा नदी पर है, और कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, इसको चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी मध्य प्रदेश में इससे सम नर्मदा के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया, ये आपका मध्य प्रदेश में चलाया गया था। ठीक, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से है, और जो समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊँचाई पर है, और यह नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी बीहड़ों में बहते हुए अपने अंतिम समय में 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर खंभात के खाड़े में गिरती है। यह नदी डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो यह नदी का आप देखेंगे कि यह नदी का जो सबसे ज़्यादा प्रवाहित क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, और सरदार सरोवर बाद इसी नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर, और कहाँ है सरदार सरोवर, वो आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तीन चीज़ें आप लोगों को कमेंट करना, कच्छ केरन में कौन सी नदी विलीन होती है, और एक प्रश्न और भी हमने पूछा था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो दिमाग से उतर गया। और तीसरी बात जो है, अभी हमने बोला, अभी दिमाग से उतर गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जब दिमाग में ना, तो ऐसा ही होता है कि जो आप बोले हैं वही आपका दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, अचानक से, तो उसको याद करना पड़ता है, याद नहीं आता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न सुनकर उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या चीज़ें पूछा गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। ठीक, कौन सी नदी है, और एक नदी पूछा जाता है बिहार का शोक, चीन का शोक, अमेरिका का शोक, इस तरह से पूछा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, मौखिक रूप में बता दे रहे हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी पर बंगाल में अमेरिका के टेनेंसी नदी के तर्ज पर जो बांध बनाए गए हैं, सर्वप्रथम जो भारत में बांध बनाए गए थे वो दामोदर नदी पर ही बनाए गए थे।
ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कब बनाए गए थे वो लोग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कही जाती है। ठीक है, दामोदर नदी पर अमेरिका के टेनेंसी नदी पर जो बांध बनाया गया उसी के तर्ज पर दामोदर नदी पर बांध बनाए गए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के टेनेंसी नदी पर जो बांध बनाए गए उसके तर्ज पर भारत में किस नदी पर बांध बनाए गए हैं, तो दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, और दामोदर नदी जो है पर भारत में पहली बार बांध बनाए गए थे दामोदर नदी पर ही। ठीक है, अगर भागीरथी नदी के बात में बारे में बात करें तो आपको आश्चर्य होना चाहिए कि भागीरथी नदी जो है वो तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जो अब बंगाल में भी क्या भागीरथी नदी प्रवाहित होती है? हाँ, इसका आंसर हाँ वो होती है। अब देखेंगे कि बंगाल में फरक्का बैराज से जब गंगा नदी दो भागों में टूटती है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम फरक्का बैराज मान लेते हैं, ये बंगाल वाला क्षेत्र फरक्का बैराज, यहाँ से कोई नदी आ रही है प्रवाहित होते हुए, ठीक है, ये नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ से एक नदी यहाँ इधर चली आई, ठीक है, साउथ का डायरेक्शन हो गया, ये साउथ वाला डायरेक्शन हो गया, और एक नदी इधर ऐसे चली गई, इस तरह से धारा इसकी चली गई, तो ये कौन सा ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं गंगा। ठीक है, ये क्या है आपका फरक्का, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज एक बैराज क्या होता है, बैराज अब एक तरह से कि जल रुकने का बहुत बड़ा साधन होता है। ठीक है, तो फरक्का बैराज अब मान के चले कि बांध ही है, ठीक है, तो ये आपका बंगाल वाले रीजन में पड़ता है, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो ये गंगा नदी आई और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं, यहाँ फरक्का बैराज से इसकी दो धारा में विभाजित हो गई। ठीक है, एक धारा जो है आपका साउथ की तरफ आ जाता है दक्षिण भारत में, और एक धारा जो है पूर्व की तरफ चली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये धारा जो है ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, हुगली नदी। ठीक है, ये हुगली नदी हो गई, और ये इसका भी तो नाम होगा पूर्वी धारा जो है, ये पूर्वी धारा जो है इसको क्या बोलते हैं, यही भागीरथी नदी है। ठीक है, यही भागीरथी नदी है। ठीक, इस तरह समझ में आया। और हुगली नदी पर ही आप देखेंगे कि हुगली नदी के किनारे इसी नदी के किनारे आप देखेंगे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कलकत्ता है, कलकत्ता है, ठीक, कलकत्ता शहर इसी नदी किनारे पर है, और हल्दिया बंदरगाह है, क्या है, हल्दिया, पश्चिम बंगाल का हल्दिया बंदरगाह जो है वो आपका हुगली नदी पर ही है, बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह और कलकत्ता नगर कहाँ पर है, हुगली नदी पर है, और यह हुगली नदी किसकी है, गंगा की दक्षिणी धारा है फरक्का बैराज से। ठीक, ये चीज़ समझ में आया कि गंगा नदी जो है, आप देखेंगे कि ये भागीरथी नदी जो है फरक्का बैराज से लेकर बांग्लादेश के सीमा तक भागीरथी नदी के नाम से गंगा प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ तक, फरक्का बैराज से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक, यानी कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी बोला जाता है। ठीक, इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी, और इसके बारे में बहुत ही सारी बातें की जा चुकी हैं, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, और शोक क्यों बोला जाता है, नदियों को इसी के स्थान का शोक बोला जाता है, तो शोक बोलने का यही एक दो प्रमुख कारण होते हैं, कि पहला कि वो नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती हो। ठीक है, मार्ग परिवर्तन में जो नदी सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती हो, आज यहाँ बह रही प्रवाहित हो रही है, कल कहीं और प्रवाहित होने लगेगी, तो उसको उसके आधार पर उसको शोक बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त नदियाँ हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त नदियाँ हैं, उसको वहाँ पर उसको शोक उस आधार पर भी शोक बोला जाता है। और जाहिर सी बात है कि किसी भारत, आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में जो ज़मीन का स्तर है समुद्र तल से ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि कोई जो समुद्र का स्थल है वो आपका 500 मीटर की ऊंचाई पर है, और वो वहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है, तो आप मान के चलिए कि वो 250 वो नदी 500 मीटर की ऊंचाई से हटकर 250 मीटर की ऊंचाई तक के समुद्र तल से ऊंचाई तक के वहाँ पर प्रवाहित होने लगेगी, तो यानी कि वहाँ पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो जब जो स्थल है समुद्र तल से नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पर जल का स्तर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तीव्र गति से आएगा, ढलान वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उस तरह से जो नदी मार्ग में परिवर्तन करती है अपने बहुत ज़्यादा, उसको
वहाँ का शोक उसके आधार पर बोला जाता है। ठीक, तो दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि मार्ग परिवर्तन और बाढ़ग्रस्त जो चीज़ें हैं, दो आधार पर बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ की नदियों को शोक बोला जाए। ठीक, तो इन चारों नदियों के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सुनते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सारी चीज़ें करना न भूलें। ठीक है, क्योंकि उस वही चीज़ है कि जो हम लोगों को बताता है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, और हम लोग उसी से तो मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि बिरहा लोकगीत, ठीक है, इस तरह से प्रश्न आप लोगों से संस्कृति से, सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्षेत्रीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्षेत्रीय संस्कृति, उसको आप लोगों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक, तो आप लोग चलिए देखिए कि यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, कौन सी जो गीत है लोकगीत है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड वाला इलाका कौन सा है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, फिर वहाँ पर देखेंगे कि झांसी है, ललितपुर है, ये वाला जो क्षेत्र उधर का, मान के चलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, देखेंगे कि पैर की तरह लटका हुआ है इस तरह से, तो उत्तर प्रदेश का वही आपका बुंदेलखंड वाला रीजन माना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड में क्या गाया जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश में आल्हा उदल वहाँ पर संबंधित है, यानी कि आल्हा वहाँ से सुना जाता है। आल्हा, आल्हा एक व्यक्ति का भी नाम है। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि जब आल्हा पैदा हुए थे तो उस समय ज़मीन जो है दो कोस धस गए थे, इस तरह से कहावत आती है। MPPSC में पूछा था इस तरह के प्रश्न एक थे कि जन्म जब लियो तो धरती धसी ढाई कोस, ठीक है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग वहाँ पर इस तरह समझिए कि आल्हा जो थे वो आपके राजपूत थे और इन्होंने बहुत ही वीरता दिखाई थी अपने समय में। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ पर दिखाई थी, क्या था, क्या चीज़ें वहाँ पर थी। ठीक है, तो आल्हा उदल थे तो वो एक वीर सैनिक थे, सैन्य प्रशासन में सेनापति थे। तो वहाँ पर वो मारे गए जब, तो वहीं पर आप देखेंगे कि उन्हीं के याद में आल्हा गाया जाता है, तो बुंदेलखंड वाले रीजन में वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात करें हम ब्रज में, ब्रज ये आपका कृष्ण जी का क्षेत्र है। ब्रज की भूमि जो है, ब्रज हो गया, मथुरा हो गया, गोकुल हो गया, वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रज के क्षेत्र में आती हैं। अब ब्रज में क्या गाया जाता है, चैती गीत गाई जाती है। चैती जो है आपका एक मौसमी गीत है, ठीक है, मौसमी गीत है। आप देखेंगे कि जो ब्रज में त्यौहार पड़ते हैं, बरसाना की होली है वो भी आपका मौसमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है वो भी आपका मौसमी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मौसमी गीत गाया जाता है, चैती जो है वो ब्रज में गाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए अवध की बात करें, अवध जो है आपका फैजाबाद और अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका अवध कहलाता है, और अवध के नवाब, ठीक, उनकी बात निराली है, लखनऊ के नवाब, अवध वाले अवध के नवाबों की बात निराली है, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। वाजिद अली शाह जो हैं उनके बारे में अगर बात किया जाए तो वाजिद अली शाह ये नवाब अगर हो तो अवध के नवाबों की तरह हो, बाकी नवाब क्या होते हैं। ठीक है, तो अवध के जिस तरह से नवाब थे, इनका जो शानो शौकत था उस तरह से अब देखेंगे, और जिस तरह से ये लोग काम करते थे, मानना पड़ेगा कि हाँ ये लोग नवाब थे। ऐसा माना जाता है कि अवध के नवाब जो एक बार कपड़े पहन ले तो उसको दोबारा ना पहने, जिस बर्तन में खा लिए तो उस बर्तन में दोबारा खाते नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें इन लोगों का देखने को मिलता था। ठीक है, जो एक बार परिधान पहन लिए वो भी दोबारा नहीं पहनते थे। तो अवध के नवाबों की बात है, जो शानो शौकत है वो बहुत ही चीज़ बड़ी है, और जैसा माना जाता है कि जब अब देखेंगे कि जब अवध का विलय किया गया था 1856 ईस्वी में और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो वहाँ के नवाब उस समय थे वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह थे ना, 1700 कब किया गया था, 1856 में, ठीक, और 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति तो आप देखेंगे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि अब वाजिद अली शाह जब थे वहाँ पर, जब अवध को कब्जे में लिया जा रहा था, तो एक चीज़ वहाँ पर देखिएगा कि कौन है नवाब। ठीक है, तो या इनकी कहानी आप देखेंगे कि
1764 के बक्सर के युद्ध में या 1856 ईस्वी के लगभग में, तो उसी में आप देखेंगे कि वाजिद अली शाह के बारे में अगर कहा जाता है, इनका कार्यकाल आप लोग देख लीजिएगा किससे संबंधित है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ इनके दयाल दरबार में गए इनको गिरफ्तार करने के लिए, तो ये चुपचाप बैठे थे अपने सिंहासन पर और भागे नहीं, बाकी सब लोग वहाँ से भागे, ये नहीं भागे वाजिद अली शाह। और जब अंग्रेज़ों ने इनसे पूछा कि महाराज आप सब लोग, आपके जो सैनिक वैनिक थे, दरबारी थे, जो आपके रक्षक थे, अंगरक्षक थे, वो सब भाग गए, आप नहीं भागे, तो इनका कहना था कि जो जूती पहनाने वाला व्यक्ति था वो भी भाग गया उनके साथ, इसीलिए मैं नहीं भागा, ठीक है। सोचिए कि अवध के नवाबों का इतना बड़ा शानो शौकत था कि जो पैर में जूती पहनाने वाला व्यक्ति भाग गया तो ये भागे ही नहीं, अपने आप को गिरफ्तार करा दिए। तो अवध के नवाबों की बात निराली है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अवध में जो गीत गाई जाती है ये कजरी गाई जाती है, कजरी, ठीक, कजरी गीत जो है, जो लोक गीत है, वो आपकी अवध में गाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें पूर्वांचल के, पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि ये यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यूपी आता है इसमें, उत्तर प्रदेश आता है, बनारस आता है, गोरखपुर आता है, मऊ, बलिया, आजमगढ़, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं, ठीक। तो पूर्वांचल में जो गाया जाता है ये बिहार से सटा हुआ है, ठीक, पूर्वांचल। तो बिहार में आप देखेंगे कि जो लोक गीत गाई जाती है वैसे तो बहुत है, जो बिरहा गाया जाता है वो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में गाया जाता था, बिरहा आप देखेंगे, बिरहा सुनेंगे तो बिरहा सुनिए, बहुत ही अच्छा लगता है, लोकगीत में आता है ये, ठीक है। आजकल के लोग तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते आजकल के लड़के, लेकिन जो असली मज़ा है ना संगीत का, इन्हीं सब में है, ठीक है। असली मज़ा अगर आपको संगीत का लेना है तो यही सब सुनिए, उसी में आपको असली मज़ा आएगा, अगर आप भारतीय संगीत से लगाव रखते हैं तो, ठीक है, नहीं तो फिर क्या मतलब है, आप गाने सुनते रहिए, ठीक है। तो पूर्वांचल में बिरहा जो क्षेत्र है, बिरहा लोकगीत गाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चले, और वाजिद अली शाह के बारे में आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, तो इसलिए हम पूरी बात नहीं बताए, तो ठीक है। तो आप उसको लोग आप लोग उसको चेक करिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक तबला वादक है, ठीक है। इस प्रकार से वाद्य यंत्रों से जो संबंधित है उस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, सभ्यता संस्कृति से, लोक संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाद्य यंत्रों से पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो गानों से भी लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कंपोजर से लेकर प्रश्न पूछे, UPSC ने पूछा था ना नाटू नाटू का कौन से कंपोजर हैं, ठीक है, जो नाटू नाटू, आप अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है, चाहे वो आईफा अवार्ड हो चाहे आस्कर हो, तो उसके बारे में आप लोग एक बार नोट डाउन बना लीजिएगा, नोट्स बना लिया करिए, ठीक है, एक साल का। उससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर किसको मिला, आईफा किसको मिला, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो UPSC में इस बार आप देखेंगे कि नाटू नाटू जो गाना है RRR मूवी का, ठीक है, उसके बारे में पूछा था कि उसके कंपोजर कौन है, तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के विविध सेक्टर में आते हैं, विविध वाले क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए हम इनके चारों लोगों का नाम लिखते हैं और वाद्य यंत्रों का लिखते हैं, किससे संबंधित हैं वो आप लोग समझ जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया, ये तो बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया से जो बांसुरी वादक सुनता है, बांसुरी सीखता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, हरिप्रसाद चौरसिया। ये किससे संबंधित हैं, बांसुरी वादक से, बांसुरी बजाने से, वादक से, ठीक। एक बार प्रश्न पूछ देते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो किससे संबंधित हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए पंडित गोपाल जी मिश्र, पंडित गोपाल जी मिश्र, ठीक, ये किससे संबंधित हैं, और देखेंगे कि सारंगी वादक से, सारंगी आप लोग देखे हैं, ठीक है, जो लोग देखे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, सारंगी वादक। फिर उसके बाद देखिए किशन जी महाराज, किशन जी महाराज या किशन महाराज, किशन महाराज जो हैं ये आपके तबला वादक हैं, ठीक, आंसर मिल गया, तबला
वादक। और एक और तबला वादक का नाम बताइए कि कौन है, एक तबला वादक का नाम बताइए। जैसे आप कभी टीवी पर देखे होंगे, दूरदर्शन पर प्रचार आता था, तो उसमें आप देखेंगे कि टाटा टी का प्रचार आता था, चाय पत्ती का। तो उसमें आप देखेंगे कि एक लोग सारंगी, एक सितार बजाते थे, संतूर बजाते थे, और एक लोग तबला बजाते थे, और उसमें बांसुरी भी बजाने वाले थे। तो तीन चार लोगों का उसमें वाद्य यंत्रों के साथ दिखाया जाता था जो उसमें बजाते, जो उससे संबंधित हैं। तो अगर आप लोग उस ऐड को देखे होंगे, प्रचार को देखे होंगे, दूरदर्शन पर आता था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो उसमें तबला वादक कौन है, सारंगी वादक, संतूर कौन बजाता है, सारंगी कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कुछ देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या ऐड देख रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, थोड़ा उसको नोटिस किया करिए। कहीं पर घूम रहे हैं तो कौन सी चीज़ कब स्थापना हुआ था, कोई संस्था दिख गई तो उसका स्थापना वर्ष आप लोग देख लीजिए, कहाँ पर किस वर्ष में हुआ है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे ना, आप याद करते चलिए, और कुछ देख रहे हैं तो उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों का एक नोट्स अलग से तैयार होता चला जाएगा, आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा, घूम फिर भी लेंगे, और आप लोगों का पढ़ाई का भी सेक्शन वहाँ पर प्रारंभ रहेगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें, या आप किसी ऐतिहासिक स्थल में घूमने जा रहे हैं और देखेंगे कि बहुत सारी जगह है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, तो अगर वहाँ पर किसी मकबरे में घूमने जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं ऐतिहासिक स्थल में, तो उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि किस चीज़ से बना है, किसने बनवाया है, कब बनवाया है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हैं आप या नॉर्मल भी हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें अगर आप जानकारी रखते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को कहीं पर भी बताने में अच्छा लगेगा, और वहाँ पर आप ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो पढ़ाई करने का तरीका यही है कि आप अपने कान खुले रखिए, आँख खुले रखिए, और कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ों को देखते रहिए और सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि दूरदर्शन ऐड में जो प्रचार देता था टाटा टी का, चाय पत्ती का, उसमें तीन चार लोगों के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको भी जानते हैं तो वहाँ पर आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और अभी हमने बताया कि एक RRR मूवी का, उसके बारे में बताया कि आप लोग इस तरह की चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुद्दक सिंह, कुद्दक सिंह का संबंध किससे है, देखिए पखावज से। ठीक है, सिर्फ हमको यही चीज़ समझ में नहीं आया कि पखावज किसे बोला जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पखावज किसे बोला जाता है। ठीक है, तो किशन महाराज जो हैं वो तबला वादक से हैं। ठीक है, और आप लोग जो चीज़ें हैं, जो वाद्य यंत्र है, किसने आविष्कार किया और कौन उससे संबंधित है, वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम उसके बारे में एक सीरीज बनाकर, एक श्रृंखला बनाकर वहाँ पर आप लोगों के लिए PDF भी तैयार कर देंगे, और जो प्रश्नोत्तर में होगा आपका पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झूम खेती से संबंधित राज्य है, किससे संबंधित है झूम खेती। सिर्फ हम झूम खेती के बारे में बात करेंगे और किसी भी खेती के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं कृषि से, आप लोग वहाँ पर जाइए, श्रृंखलाओं में देखिए, और बाकी चीज़ें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आप लोगों का इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, और बाकी चीज़ें अगर अगले श्रृंखलाओं में आती हैं तो उसमें हम लोग बात कर लिया जाएगा। ठीक है, झूम खेती संबंधित राज्य। ठीक है, झूम खेती कहाँ, कौन सी खेती होती है, ये आपका स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित क्या है, कृषि है। यानी कि एक बार कहीं पर कृषि किया गया, मान लीजिए कि स्थान पर कृषि किया गया एक बार में, तो वो फसल कटने के बाद वहाँ पर कृषि नहीं होगी, वो चले जाएंगे कहाँ पे, बी स्थान पर कृषि हुआ, या फसल कटने के बाद चले जाएंगे सी स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से जो स्थानांतरित घुमक्कड़ कृषि जिसे बोला जाता है, वहाँ पर वो झूम खेती का एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो झूम खेती जो किया जाता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत से कौन सा संबंधित है, उड़ीसा राज्य संबंधित है। ठीक है, पंजाब आपका उत्तर भारत में पड़ता है, देखेंगे कि ये हिमालयी क्षेत्र है पंजाब में, नदियों पंचनद बहती हैं, शिवालिक वाले क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है।
गुजरात आप देखेंगे कि पूर्वी भारत, अरे पश्चिमी भारत में पाया जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, अरब सागर से लगा हुआ, और महाराष्ट्र गुजरात के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट में आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण कृषि है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है पश्चिमी घाट वाला रीजन, आप देख लेंगे यहाँ पर सारी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? कुमारी कृषि। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो रहा है। तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न है, आप लोगों को झूम खेती के बारे में बात पता चला, और कुमारी कृषि जो है पश्चिमी घाट वाले एरिया में किया जाता है। ठीक है, झूम खेती जो है स्थानांतरित कृषि है, एक स्थान पर अगर कृषि किया गया, दूसरे स्थान पर वहाँ पर छोड़कर दूसरे पर जाया जाएगा, दूसरे छोड़कर तीसरे पर जाया जाएगा। इस प्रकार की कृषि को झूम खेती कहते हैं, और इसको जो है घुमक्कड़ कृषि भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न है, नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, जिससे ये इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न बताए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक विस्तार से नोट्स तैयार होते हुए चला जाएगा। ठीक है, और इसमें के जितने भी प्रश्न आप देखेंगे कि जो प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए देखा किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता और सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल से जुड़ जाएं और जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। जो लोग चैनल पर पुराने हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने सुझाव देते रहें, हम लोग तक पहुँचाते रहें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आएगा, और इसमें भी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने नोट्स को बनाते रहिए, और सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से पढ़ाई को तैयार करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों को अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।